इंडियन मार्केट में फिलहाल कम ही ऐसी SUVs हैं जिन्हें क्रैश टेस्ट किया गया है और वो 5 स्टार ला पाई हैं। ग्लोबल एनकैप की बात करी जाए तो एक प्रॉपर बॉडी ऑन फ्रेम पर बेस्ड बस एक ही गाड़ी है जिसे 5 स्टार मिले हैं, वो है महिंद्रा स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन को इंडियन जनता ने काफी प्यार दिया और ये गाड़ी की डिलीवरी मिलना भी एक त्योहार से कम नहीं है और लोगों का डांस तक निकल जाता है स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी लेते वक्त। गाड़ी ने कुछ रियल लाइफ एक्सीडेंट में भी अच्छा परफॉर्म किया है और अपनी 5 स्टार परफॉर्मेंस को जस्टिफाई भी किया है। हालांकि हमारे चैनल पर कस्टमर के हित में हमेशा स्टेप्स उठाए जाते रहे ताकि लोग को प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। चैनल के पहले वीडियोस की वजह से एक व्यूअर की सर्विस के दौरान डैमेज हुई किया सोनेट भी चेंज करी जा चुकी है और होपफुली आज के इस केस में भी जल्द हमें कुछ स्टेप्स देखने को मिले। ये केस है रिसेंटली हुए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के एक्सीडेंट का जिसमें गाड़ी के कोई भी एयरबैग नहीं खुले। ये एक्सीडेंट ओनर मिस्टर विवेकानंदा डैश ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था। गाड़ी यहाँ टॉप एंड स्कॉर्पियो Z8 वेरिएंट था जो 6 एयरबैग के साथ आती है और एक्सीडेंट इतना मेजर था कि गाड़ी की रूफ तक फट के अलग हो गई है पर कोई भी एयरबैग इस एक्सीडेंट में नहीं खुले। एक ऑनलाइन कार पोर्टल के अनुसार यहाँ नींद आने की वजह से गाड़ी से कंट्रोल छूटा और गाड़ी पेड़ से जाकर लड़ी पर ओनर ने इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया था। अब एक्सीडेंट जैसे भी हुआ पर एक्सीडेंट मेजर था जो स्कॉर्पियो एन की पिक्चर्स दिखा रही हैं जिसमें पेड़ से लड़ने के बाद गाड़ी की छत भी बाहर आ गई है। एक पॉसिबिलिटी कही जा सकती है कि फ्रंट एयरबैग्स में भी सेंसर्स पर हैवी इंपैक्ट ना आने की वजह से यहाँ ना खुले हों पर साइड एयरबैग्स का भी यहाँ नहीं खुलना वाकई चिंताजनक है एंड एज पर ओनर यहाँ उन्होंने सीट बेल्ट भी पहनी थी। अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटी यहाँ एक्सीडेंट के बाद क्रिटिकल है, होपफुली वो जल्द रिकवर हो जाए। बाकी स्कॉर्पियो एन में कुछ समय पहले भी वन ऑफ द मोस्ट मेजर एक्सीडेंट में कोई भी एयरबैग नहीं खुला था जिसमें 7 आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज की डेथ हो गई थी तो महिंद्रा को जल्द से जल्द इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। मिस्टर विवेकानंद ने भी इस इशू को 3 से 4 दिन पहले उठाया था पर उनको कोई भी रिजोल्यूशन या रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द महिंद्रा यहाँ पर एक्शन ले और उन्हें रिप्लाई करे और इसके लिए आपको ये वीडियो शेयर करना और हमारे ट्वीट को रिट्वीट करना जरूरी है ट्विटर आईडी @iNikhilRana पर। बाकी बिल्ड क्वालिटी स्कॉर्पियो एन की अच्छी है पर ऐसे एक्सीडेंट में एयरबैग्स डिप्लॉय होने चाहिए थे, कम से कम साइड एयरबैग्स यहाँ खुलने तो चाहिए ही थे जो नहीं हुआ और इसी क्वेश्चन को हमें आगे महिंद्रा तक पहुंचाना है और आप भी अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा इस एक्सीडेंट के बारे में। साथ ही वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि जल्द से जल्द महिंद्रा इस मैटर में एक्शन ले और कुछ रिप्लाई दे और इन केस कोई फॉल्टी बैच है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का जिसमें एयरबैग खुलने की प्रॉब्लम है तो उसे रिकॉल किया जाए। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।